बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 7 की दूसरी कविता। कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। तुम्हारी यानी प्रभु की, हमें प्रभु की याद आती है। और हमें प्रभु की याद कब कब आती है ये हम कविता पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो चलो देखते हैं कविता। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी बहुत सुबह यानी सूर्योदय से पहले जब चिड़िया है वो गीत गाती है तब हमें प्रभु की याद आती है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलिया दरवाजे खोल खोल कर यानी कलिया है वो अपनी पंखुड़िया खोलती है और दुनिया को देखती है तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है, तभी हमें प्रभु की याद आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, यानी जब घर से बाहर बच्चे खेलने आते हैं तब हमें प्रभु की याद आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जग के सृजनहार हार यानी जिसने जग का सृजन किया है, यानी जगत का निर्माण किया है और निर्माण करने वाले है प्रभु, तो हमें प्रभु की याद आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया गीत गाती है, कलिया है वो अपनी पंखुड़िया खोल कर जब मुस्कुराती है तब हमें प्रभु की याद आती है। आगे है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बनों बागों में जब हरियाली लहराती है। तो बारिश के मौसम में जब बूंदे धरती पर गिरती है और आसमान में बिजली चमकती है तब हमें प्रभु की याद आती है। जब मैदानों में वन में और बागों में जब हरियाली यानी के पेड़ पौधे अनाज सब उगता है तब हमें प्रभु की याद आती है। आगे है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी ठंडी ठंडी हवा है वो मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि ठंडी हवा कहीं से चल के हमारे पास आती है तब हमें प्रभु की याद आती है। बच्चों, इस कविता में हमें प्रकृति के दर्शन होते हैं। प्रकृति की हर चीज़ों में हमें भगवान की याद आती है, क्योंकि जगत के सृजनहार प्रभु ने ही सारी प्रकृति और जगत को बनाया है। यानी हमें पर्वत, पेड़, खेत, वन, बाग, बगीचे, पक्षी, पशु, मनुष्य आदि सबको देखकर हमें प्रभु की याद आती है। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने इन सब का निर्माण किया और हमारा भी निर्माण किया। हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हमें भगवान ने हम पर एहसान किया ये प्रकृति की सभी चीजें हमें देकर। हमें रोज सुबह भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए और बाद में हमारा काम करना चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। का स्वाध्याय सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक यानी बोलकर जवाब देना, पर हमें है लिखकर जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया गीत गाती है, कलिया खिलती है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दूसरा सवाल है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो बच्चों, मैदानों में जब छम छम करके बूंदे गिरती है और बारिश होती है तब हरियाली लहराती है। फिर आगे का प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो इसका जवाब है, जब चिड़िया उठकर गीत गाती है, कलिया मुस्कुराती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, जब मैदान में हरियाली लहराती है तब हमें प्रभु की याद आती है। आगे का प्रश्न है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो बच्चों, आपको सुबह उठकर जो भी दिखाई दे प्रकृति के बारे में वो आपको लिखना है। ये सवाल है वो होमवर्क का सवाल है। आगे का दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हम एक वचन का उपयोग करते हैं,
एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्तियों के लिए हम बहुवचन का उपयोग करते हैं। तो पहला है एक चिड़िया है, तो यहाँ लिखा है चिड़िया उड़ रही है। फिर यहाँ पे तीन चिड़िया है, तो हम लिखेंगे चिड़िया उड़ रही है। फिर यहाँ पर है एक कली है, तो कली नहीं खिली है। फिर यहाँ सामने तीन कली है, तो हम लिखेंगे कलियाँ नहीं खिली है। फिर यहाँ पे है बूंद, तो बूंद गिरती है। फिर तीन बूंदे है, तो लिखेंगे बूंदे गिरती है। आगे है एक दरवाज़ा, तो लिखा है दरवाज़ा खुला है। सामने तीन दरवाजे है, तो लिखा है दरवाजे खुले है। यहाँ पे एक लड़की है, तो हम लिखेंगे लड़की खेल रही है। और सामने तीन लड़कियाँ है, इसलिए हम लिखेंगे लड़कियाँ खेल रही है। बच्चों, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होता है, पर कली का बहुवचन कलिया होगा, बूंद का बहुवचन बूंदे होगा, दरवाजा का बहुवचन दरवाजे होगा, और लड़की का बहुवचन लड़कियाँ होगा। आगे का प्रश्न है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे चित्र दिए गए, चित्रों में अलग अलग शब्द है, वो शब्द को हमें एक साथ वाक्य के रूप में बनाना है, जिससे कुछ अर्थ स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहला है जल ही जीवन है, दूसरा है फूलों में रंग कौन भरता है, तीसरा है बादल में बिजली क्यों चमकती है। आगे है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्द कोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो हमें शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं। पहला है कुक, तो कुक का अर्थ होगा कुंजन, जिसको गुजराती में हम कोयल के टहुका बोलते हैं। फिर है इरादा, इरादा का अर्थ होगा निश्चय। आगे है तरुवर, तरुवर का अर्थ है पेड़। फिर है मुग्ध, मुग्ध का अर्थ है मग्न। फिर है गुजारिश, गुजारिश का अर्थ है याचना। आगे है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो बच्चों, चिड़िया खुशी के गीत सुबह उठकर गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर चिड़िया गीत गाती है, कलियाँ खिलती है, और लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो बच्चों, जब छमछम बूंदे गिरती है तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली मैदानों में, वनों में और बागों में दिखाई देती है। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली पंक्ति है कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका अर्थ होगा सुबह जब कलिया अपनी पंखुड़ियाँ खोलती है तो लगता है वह मुस्कुरा रही है और तब हमें प्रभु की याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो इसका अर्थ है बारिश के मौसम में जब छमछम बूंदे गिरती है, आकाश में बिजली चमकती है, तब हमें प्रभु की याद आती है। आगे का प्रश्न है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढ के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, हमें है यहाँ शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थी है, इस कोष्टक में से हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले सुबह का दिया है, सुबह का प्रातः काल होता है। फिर दूसरा है खुशी, खुशी का अर्थ होता है आनंद। आनंद के ऊपर से हम वाक्य बनाए तो आज राम बहुत आनंद में था। फिर तीसरा शब्द है खुशबू, खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। तो सुगंध के ऊपर से हम शब्द बनाएंगे कि मुझे गुलाब की सुगंध बहुत पसंद है। आगे का शब्द है बहुत, बहुत यानी ज़्यादा, तो हम लिखेंगे मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं है। फिर है मुस्काना, मुस्काना यानी हंसना, मुझे
चुटकुले सुनकर बहुत हंसी आती है। फिर आगे का प्रश्न है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। तो बच्चों यहाँ पे है वो नाम दिए गए हैं, लड़कियों के फ्रॉक पर लिखे हैं और लड़कों के जो टी शर्ट है उस पर लिखे हैं। ये नामों को हमें है वो योग्य क्रम में यहाँ पर लिखने हैं शब्दकोश के क्रम में। तो सबसे पहले है उठकर, फिर है कलिया, आगे है चांद, फिर है मुस्कान, आगे है मैदान। तो बच्चों यहाँ पर है हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। आगे के वीडियो में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।